सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आपका आप यहाँ आए हो, किस संबंध में आए हो? मेरे साथ मारपीट हुई है ग्राम प्रधान पति ग्राम पंचायत हरपुरा मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय पंचमपुरा में प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज 15 अगस्त को बच्चों की बड़ी धूमधाम के साथ प्रभात फेरी निकाल करके राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है कि कुछ अतिथियों को मिष्ठान भंडार मिष्ठान वितरित कराने की तैयारी कर रहा था कि इतने में अचानक ग्राम प्रधान पति ने वो करके जो है मुझे कहा कि VIP व्यवस्था नहीं की और वो उत्तेजित हो गए और मुझे मेरे साथ मारपीट की। फिर तरह की अभिलेख भी फाड़ दी, झंडा फाड़ने की कोशिश की तो उसको बचा लिया। आपने उच्च अधिकारियों को? जी, मैं उच्च अधिकारियों के लिए ही प्रार्थना पत्र लेकर के आया हूँ और सभी हमारे गांव के लोग भी आए हैं और हमारे स्टाफ भी आया हुआ है। इसके अलावा भी हमारे ब्लॉक के सम्मानित अध्यापक यहाँ आए हुए। नहीं, आपने खंड शिक्षा अधिकारी? जी, मैंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दूरभाष पे अवगत किया तो उनका भी कहा है कि आप यहाँ आ जाइए, लेकिन वो अचानक आकस्मिक कारणों से यहाँ से चले। तो उनका क्या कहना है? वो ये कह रहे थे कि आप कार्रवाई कीजिए, हम सभी लोग आपके साथ में हैं, इस तरह से किसी की गुंडागिरी और जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की। प्रधान के साथ और कौन था? प्रधान के साथ उनका लड़का था और 5-6 अभ्यर्थ व्यक्ति थे, 6 अभ्यर्थ व्यक्ति थे। नाम है आपका? किस संबंध में आप थाने आए? मासाब को मारपीट का सुना तो चले आए थाने। तो किसने मासाब को मारा, किस संबंध में? नंदा के बारे में। तो आप थाने आए हो, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग क्या करोगे? सब मतलब गांव वाले इकट्ठे होकर के ऊपर जाएंगे, DM साहब के पास जाएंगे, SP साहब के पास जाएंगे। क्या नाम है आपका? जनलाल पटेल। आप लोग थाने आए किस संबंध में? टीचर है कार्यकर्ता और हमारे स्वागत हुआ प्रधान, उन्होंने राकेश सिंह के अवगत कराया हमको फोन लगा कि पंचमपुरा जिला स्कूल में प्रधान ने पति ने हेडमास्टर के साथ बेइज्जती की, मारपीट की, काफ़ी मारपीट कर दी। उन्होंने सब्जेक्ट अवगत कराया हम सभी को, जिससे हम सभी शिक्षक करके अपने यकीन साहब से मिले और आज इस 15 अगस्त के अवसर पर सबको सबकी शांति मिलना चाहिए, बड़ा तांडव नृत्य किया उसमें कितने लम जाकर के हेडमास्टर के साथ। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे अध्यापक को न्याय मिले और उसको कठोर से दंड दिया जाए। अगर जैसे शासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो आप लोग क्या करोगे? संक्षेप होकर के हमारे अध्यापकों को पूरे हम नहीं सहेंगे और हम विद्यालय पढ़ाई नहीं करेंगे और वो तो कल से विद्यालय जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको भयभीत है वो कि कई रास्ते में धमकी दी गई कि उनको रास्ते में पीटेगा, वो तो भयभीत है हम लोग और हम सभी अध्यापक कार्य नहीं करेंगे, शिक्षण बंद कर देंगे। आपने किसी को अवगत कराया खंड शिक्षा अधिकारी? खंड शिक्षा को अवगत करा तो तुरंत ही उन्होंने कराया था। तो उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा था कि आप हम आप कार्रवाई करें और हम अधिकारी उचित करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार रावत, पंचमपुरा का निवासी हूँ। क्या घटना हुई है सर के साथ? हमारे स्कूल में आज प्रसाद वितरण होने के कारण मिष्ठान घटना हुई है, मासाब के साथ मारपीट हुई है। किसने की मारपीट? प्रधान ग्राम प्रधान पति सूर्या रामस्वरूप उनके लड़के भगवानी को हमने मासाब के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट घटना की है, जिससे बच्चे भी स्कूल के भयभीत हैं, वो आने के लिए स्कूल आने के लिए इच्छुक नहीं है, सारे लोग वहाँ पर डर के हमारे काँप रहे हैं, मासाब को मारने की धमकी दी। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं मासाब के साथ न्याय होना चाहिए, ग्राम प्रधान जो है उसको सबक मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? अतीश कुमार, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय पंचमपुरा में। थैंक। सर क्या घटना हुई है? आज मिष्ठान के वितरण में मतलब खीर और पूरी बंटवाना चाहते थे, लेकिन मैं प्रधान अध्यापक जी ने मना किया कि खीर पूरी हमारे विद्यालय में नहीं बने, और ग्रामवासियों ने भी सहयोग किया, जो हर बार की तरह मिष्ठान बढ़ता है तो मिष्ठान बंटवाया, मिष्ठान के लिए रहता है, तो मिष्ठान का मतलब आज का देश है, तो उस कारण से मतलब हाथापाई और जय प्रधान अध्यापक के साथ हुई। तो प्रधान अध्यापक सर को मारपीट किसने की है? हाँ, मतलब हाथापाई हुई है, उसमें मतलब कुछ चोटें भी आई हुई हैं। आप लोग क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं, प्रधान अध्यापक के साथ न्याय मिले और कार्रवाई।
क्या नाम है आपका? नाम है। आप लोग यहाँ किस संबंध में आए? और प्रधान आए थे, स्कूल में बवाद खड़ा किया है, आप मारा भी है, और हम बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं। कौन से गांव में? ग्राम पंचमपुरा। किस बारे में घटना? ये झंडा रोहण के बारे में हो, जो प्रतिष्ठान में खाई बांटना था वो फी बनवा के लाया है बच्चों ने, और मास्टर ने कहा है कि फी नहीं बटवाओ, ना पूरी खिलाओ, मिठाई बांटो। तो आप लोग क्या चाहते हो? हमने यहाँ चाहते हैं कि वहाँ से आपको न्याय मिले, स्कूल को न्याय मिले, हमारे बच्चे सही तरह से यहाँ, उनको भयभीत ना किया जाए,